मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9 क्लास का वीडियो लेकर आया है, जिसमें कि स्थानांक ज्यामिति का पार्ट 3 वाला वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले करा दिए हैं। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध यही है कि आप जो है जीबी का इस्तेमाल पढ़ने लिखने में करें और अन्यथा चीजों में नहीं करें, जिससे आपका गार्जियन का पैसा का भी सदुपयोग होगा और आपका भी पढ़ाई में तरक्की होगा और आप कुछ सीखिएगा, है ना। इसलिए जीबी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए और पढ़ाई लिखाई में करिए, इससे आपका फायदा होगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को आज देखिए और इसके पहले वाला वीडियो का लिंक हम दे देंगे, इसमें आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 11 नंबर में बताया गया है कि एक त्रिभुज है, वो किसके द्वारा बना है। तो ये 3 स्थानांक के द्वारा बना हुआ है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी फिलहाल मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना लिए हैं, पहला का स्थानांक है 2, 2, दूसरा का है -2, -2 और तीसरा का है -2√3 और 2√3। तो ये समबाहु त्रिभुज है अथवा नहीं है, इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल करके देखना पड़ेगा। अगर तीनों भुजा का लंबाई बराबर हो गया तो निश्चित रूप से यह समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहले हम चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी में देखिए, एबी पहले निकाल लीजिए। तो एबी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो बोलिए x1 - x2² + y1 - y2² होल स्क्वायर। अब इसको निकाल के देखते हैं कितना मान आता। x1 बनेगा 2 माइनस और माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। y1 बनेगा 2 और माइनस माइनस 2 और इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अंडर रूट करें, इसका मान कितना आ गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर + 2 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका मान कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर। मान आएगा कितना बताइए, 16 + 16 बराबर कितना आएगा, 32√32। अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो आएगा 4√2, 4 × 16 = 32। तो इस तरह से आप जानते हैं फैक्टराइज करके बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका मान आया 4√2। अब देखिए बीसी का मान अगर निकालते हैं और बीसी का मान भी कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए, है ना, कितना 4√2 आना चाहिए, तब समझेंगे ये मान हमारा समबाहु त्रिभुज का है। तो देखिए x1 के जगह पर रखिए -2 - -2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस, फिर अब लिखिए -2 - और फिर 2√3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से देखिए क्या मान निकल करके आता। इसको लिख सकते हैं हम -2 और +2, ठीक है, -2 और -2 का होल स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए जब बीसी का निकालने जा रहे हैं तो बीसी का मान में हम अगर बैठाएं तो x1 - x2 तो -2 - -2√3 अब प्लस, इसमें अगर बैठाएंगे तो -2 और फिर इसका आ जाएगा -2√3, ठीक है। अब हम इसको सावधानी से इसको बनाते हैं, -2 - -2√3 का होल स्क्वायर और -2 - -2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को तोड़ देंगे, -2 का होल स्क्वायर + 2 - 2√3, ठीक है, अब +2√3 का होल स्क्वायर, ये सूत्र में तोड़ दिए हैं प्लस, फिर इसको भी तोड़ देंगे, -2 का होल स्क्वायर - 2 - -2 - इसका हो जाएगा 2√3, ठीक है, अब +2√3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है।
ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 8 रूट 3 और ये आ जाएगा दो दूनी चाहती है 12 12, अब प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 8 रूट 3 अब प्लस 12, ठीक है ये मान आ गया। अब इसको काट देंगे, कट गया बराबर आ गया है 12 12 24, 24 और 8 32। देखिए इसका भी मान आ गया √32, इसका मतलब यहां भी इसका मान आ गया है बराबर 4√2। तो ये किसका मान आया, बीसी बराबर, है ना, बीसी बराबर मान आ गया। अब एक बार एसी निकाल लेंगे, तो एसी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, x1 के जगह पे 2 माइनस, अब फिर यहां पे हो जाएगा -2√3, ठीक है, एसी के जगह पे, अब फिर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2√3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर करते हैं तो 2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक सूत्र याद करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र है 2 इंटू ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र अगर बैठाएं तो हमको उतना झमेला में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 प्लस 12 अंडर रूट रहने देंगे, बताइए इसमें, ठीक है अंडर रूट रहने देते हैं। आगे 12 4 16 32, तो एक ही बार में आपका मान निकल जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4√2। तो अब बताइए त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर बीसी बराबर सीए या एसी बराबर कितना आ गया, तो 4√2 आता ए बी सी एक क्या होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा और यही लिख देंगे प्रमाणित। अब 12 नंबर सवाल में देखिए, इसमें 3 मान स्थिरांक दिया है, कह रहा है कि इसको मिलाने से क्या समानांतर चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज बनने के लिए जरूरी होता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होना चाहिए तभी बनेगा। तो देखते हैं क्या आमने सामने का भुजा इसमें बराबर हो रहा है क्या, -7 2 है लिख दिए हैं, 19 और 18 है ये भी लिख दिए हैं, और 15 और -6 ये भी लिख दिए हैं, और -11 और -12 ये भी लिख दिए हैं। अब इसको हम निकाल कर देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये भी निकालते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार ए बी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x1 के जगह -7 अब -19 होल स्क्वायर अब प्लस, फिर y के जगह पे आ जाएगा 2 - 18 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखते हैं इसका मान कितना आता है, 9 7 16 -16 का होल स्क्वायर अब प्लस, ये अगर 2 माइनस हो गया तो -16 का होल स्क्वायर, ठीक है 9 7 16 26 होगा, ये 26 दोनों माइनस है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे 26 आएगा। अच्छा अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 676 676 अब प्लस 256, ठीक है एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 36 3 15 12 2 2 4 5 6 5 2 7 6, ठीक है। तो ठीक है अब इसको जोड़ दीजिए, 12 का 2 बाकी 1 7 5 12 13 1 6 2 8 9 अब आया 932 अंडर, ठीक है
अब 932 अंडर रूट है, रहने देते हैं और देखते हैं फिर बीसी का मान कितना आता है। बीसी का मान कितना आता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स के जगह पे बताइए 19 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस और माइनस 6 ठीक ना, होल स्क्वायर अंडर रूट 19 में 5 गया 4 का होल स्क्वायर और इसको 18 प्लस 6 का होल स्क्वायर 16 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, 24 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ये तो 16 कर ही दिए हैं, अंडर रूट लगाते जाइए सब में। अब ये आया 16 और यहाँ पे आया प्लस 24 गुना 24 कर लीजिए 16 बाकी 1 चार दुनी 8 एक 9 चार दुनी 8 5 6 9 8 17 7 बाकी 1 एक मिनट चार 16 का 6 बाकी 1 चार दुनी 8 एक 9 चार दुनी 8 2 दुनी 4 6 9 8 17 7 बाकी 1 576 तो इसको हम लिख देते हैं 576 ठीक 576 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं 7 एक 8 9 और ये 5 592 ठीक है 592 आ गया। अब चलते हैं बीसी, बीसी निकालते हैं देखते हैं कितना आता है। बीसी बराबर है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स वन की जगह पे बैठा देते हैं माइनस बीसी निकालना है तो माइनस 11 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 और फिर माइनस और फिर माइनस 6 का होल स्क्वायर ठीक है ठीक है माइनस 11 माइनस 15 आ जाएगा माइनस 6 2 26 का होल स्क्वायर अब प्लस इधर आ जाएगा 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ गया 26 गुना 26 यहाँ पे हम लोग किए थे 676 अब प्लस इधर होगा 12 में 6 गया 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट अंडर रूट हो गया अब प्लस यहाँ पे हो गया 676 अब प्लस 636 अंडर रूट बराबर 6 से 12 का 2 बाकी 1 7 इंटर से 11 के बाकी 1 712 ठीक है। अब हम एडी निकाल के देख लेते हैं एडी बराबर आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स वन के जगह पे देख लीजिए माइनस 7 और माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा देखिए माइनस 2 माइनस माइनस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट देखिए माइनस 7 प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 7 और 11 में अगर माइनस 7 घटा देते हैं 11 में 7 तो आ जाता है 7 4 11 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 और इसका 196 612 का 2 बाकी 1 9 10 11 के बाकी 1 212 तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए कोई भी आपस में बराबर नहीं है। अब ये सवाल में पूछा गया है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा अथवा नहीं होगा तो लिख देंगे इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। नहीं होगा क्यों, क्योंकि क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी तथा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी तथा ए डी डज नॉट इक्वल टू
एडी डज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब जब बराबर है ही नहीं तो निश्चित रूप से समांतर चतुर्भुज नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये आता है 13 का। 13 में देखिए क्या बोला है कि इन तीनों बिंदु चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत होगा, प्रमाणित करें। तो क्या है आयत के लिए भी तो हमको जरूरत पड़ेगा, आमने सामने का भुजा बराबर। तो देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। ए हो गया, बी का हो गया 8-4 और सी का हो गया 5-7 और डी का हो गया -1-1, ठीक है। आयत होगा, प्रमाणित करें, ठीक है। तो इसमें प्रमाणित करके देखते हैं कि आयत है अथवा नहीं, ठीक है। तो चित्रानुसार ए बी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ए बी निकाल लेते हैं, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है, 36 और प्लस 36 अंडर रूट बराबर 72 अंडर रूट बराबर 6√2, ठीक है। 6√2 आया, इसको निकाल लीजिएगा, 6√2 आएगा, 6 × 36 और 2। अब चलते हैं बीसी। चलिए बीसी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मान बैठा लीजिए अब 8 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसका मान कितना आता है, 3 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, आखिर ये हो जाएगा 9 + 9, है ना, बराबर हो जाएगा 18 का अंडर रूट। अब 18 का अंडर रूट जब आप बाहर निकालेंगे तो बोलिए बीसी का मान कितना हो जाएगा, 9 × 18 यानी 3√2, 3√2 आ गया बीसी बराबर। चलिए डीसी निकालते हैं, डीसी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए x1 के जगह पर बता दीजिए, डीसी निकाल रहे हैं तो -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा कितना, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा कितना, 36 प्लस 36 का अंडर रूट। ध्यान से देखिए 72 अंडर रूट, अब ये आ जाएगा 6√2, 6 × 36 = 72। तो 6√2 आ गया डीसी। तो कुछ यहाँ पे संभावना अच्छा ही लग रहा है, डीसी निकल गया है। अब एडी निकाल के हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि सच में ये है क्या, एक निकला, दो निकला, तीसरा भी निकल गया, अब चौथा निकल रहा है। एडी बराबर निकलेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x1 के जगह पे बैठा दीजिए 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको देखिए 2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी आ गया 9 + 9 अंडर रूट बराबर कितना, 18, और 18 का कितना निकला, 3√2। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन बराबर आ गया, देखिए एडी बराबर एडी का मान आया 3√2, एडी बराबर बीसी होना चाहिए, तो देखिए बीसी का मान भी आ गया 3√2 यानी चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या बराबर आ गया, देखिए तो एडी बराबर बीसी तथा एबी बराबर डीसी, है ना, आ गया है, तो गया है। लेकिन देखिए ये समानांतर चतुर्भुज भी तो हो सकता है। अब आयत और समांतर चतुर्भुज में फिर गड़बड़ी हो जाता है, क्या कि समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आयत में क्या होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं,
है ना। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है समांतर चतुर्भुज आयत को भी कहा जाता है। तो फिर भी हम यहाँ कंफर्म होने के लिए इसका विकर्ण हम निकाल लेते हैं। अब विकर्ण अगर बराबर निकल गया तो समझेंगे कि ये पक्का क्या है, आयत ही है। तो इसका विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। विकर्ण एसी बराबर निकालते हैं, बताइए विकर्ण एसी का मान कितना होगा। तो थोड़ा सा हम सॉर्ट करते हैं, 2-5 का होल स्क्वायर, सूत्र नहीं लिख रहा है यहाँ पे, और -2-7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। डायरेक्ट मान ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा सूत्र का, -3 का होल स्क्वायर और +-9 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 9+81 अंडर रूट, ये आ जाएगा 90 अंडर रूट, ठीक है। बराबर ये इसको अगर बाहर निकाल लेंगे तो 3×3×10 कर लेते हैं, बराबर 3√10 आ गया, ठीक है। तो यही चीज आना चाहिए दूसरा विकर्ण में भी। तो चलें विकर्ण, विकर्ण बी डी बराबर देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो बी डी में निकालेंगे तो 8-1 का होल स्क्वायर प्लस 4-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 8+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 81 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 अंडर रूट, यहाँ पे भी आ जाएगा 90 अंडर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 3√10। अब क्या होता है कि अब हम कन्फर्म हो गए हैं कि ये पक्का क्या है, आयत ही है। तो लिख देंगे तथा चतुर्भुज ए बी, इसमें भुजा दिखा दिए हैं, तथा विकर्ण, विकर्ण क्या है बोलिए, विकर्ण है ए सी बराबर बी डी, अतः ए बी सी डी एक क्या होगा, आयत होगा, और यही हो गया क्या, प्रमाणित। अब देखिए 14 सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि ये एक रोम्बस होगा, ये प्रमाणित करके दिखाइए। तो रोम्बस होने के लिए चारों भुजा बराबर होने की आवश्यकता है ना, क्योंकि ये देखिए इसको रोम्बस कहते हैं, इसमें क्या होता है चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, परंतु विकर्ण इसका बराबर नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। रोम्बस में और वर्ग में यही फर्क है, वर्ग में दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चारों भुजा बराबर है कि नहीं, इसका लेते हैं 2 5, ए का, बी का ले लेते हैं 5 9, और सी का ले लेते हैं 9 12, और डी का ले लेते हैं 6 8, ठीक है। तो देखते हैं पहले चित्रानुसार रोम्बस है कि नहीं, चित्रानुसार चलिए ए बी बराबर निकालते हैं, 2-5 का होल स्क्वायर प्लस 5-9 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 2 के लिए यहाँ पे -3 कर लेंगे, और प्लस -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 9 प्लस 60 अंडर रूट बराबर आ गया कितना, 25 अंडर रूट बराबर आ गया 5। तो देखते हैं ए बी बराबर 5 आ गया है। अब बी सी चलते हैं, बी सी बराबर देखिए कितना निकल के आता है, 5 9 का होल स्क्वायर प्लस 9-12 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखते हैं इसका कितना आता है, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 9 3 12 -3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 4 16 प्लस 9 अंडर रूट बराबर आ गया 25 का अंडर रूट बराबर 5। चलिए ठीक है, बी सी भी वही निकल रहा है। अब चले आते हैं सी डी, तो सी डी बराबर 9-6 का होल स्क्वायर प्लस 12-8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, घटाइए, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9+16 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अब फिर हो जाएगा 25 फिर 5। अब एक बार एडी का भी निकाल लीजिए, है ना, सीडी निकाल लिए तब एडी भी निकाल लेंगे, तो एडी बराबर 2-6 का होल स्क्वायर प्लस 5-8 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर कितना बोलिए, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर
अंडर रूट कर लीजिए, आएगा 16 प्लस 9 का अंडर रूट बराबर, ये भी आ गया 25 बराबर आ गया 5 बराबर 5। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो चतुर्भुज है इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 5 इकाई। ठीक है, ये तो आ चुका है, लेकिन अब देखिए अब कंफ्यूजन ये है कि ये तो ठीक है आप बराबर साबित कर दिए हैं, तो ये वर्ग भी तो हो सकता है, तो इसलिए इसका क्या करेंगे विकर्ण भी एक बार निकाल के देख लेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ जाता है तो बराबर नहीं आता है तब समझेंगे कि ये क्या है रोमबस है। तो विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण बराबर विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण ए सी बराबर निकाल लीजिए तो 2-9 का होल स्क्वायर प्लस 5-12 का होल स्क्वायर अंडर रूट घटा दीजिए कितना आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 प्लस 49 अंडर रूट बराबर आ जाएगा 9 9 18 9 1 4 4 8 9 अंडर रूट बराबर आ जाएगा 7 9 7 9 2 आ जाएगा 7√2। तो हम समझते हैं कि बी डी उतना नहीं आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए, है ना। तो बी डी निकाल के एक बार देख लेते हैं, 5-6 का होल स्क्वायर प्लस 9-8 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट बराबर आ गया 1+1 अंडर रूट बराबर यहाँ पे आ गया √2। तो क्या रूट 7√2 और 2 दोनों अलग अलग है, यानी दोनों मान अलग अलग है, अब हम कंफर्म हो गए हैं। तथा इकाई यहां पर लिख देंगे कि ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 5 तथा विकर्ण कौन सा विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक क्या होगा रोम्बस होगा और यही हो गया प्रमाणित। अब देखिए 15 नंबर सवाल, 15 का वन नंबर देखिए, 15 का वन नंबर में क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि दो स्थानांक दिया है। देखिए पहला है ए प्लस बी और दूसरा दिया है सी प्लस डी, ये पहला स्थानांक है और दूसरा है a माइनस बी और दिया है c प्लस डी। अब ये दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो दूरी अगर निकालते हैं तो दूरी का वही x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बताइए x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2 ये है। ठीक है, तो x1-x2 तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस डी माइनस फिर सी प्लस डी, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए इस तरह से, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो इस तरह से बीच में माइनस है इसलिए दोनों का ब्रैकेट हम रख लिए। अब देखिए यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी और प्लस अच्छा इसको होल स्क्वायर देंगे ना, और इसमें बोलिए सी प्लस डी माइनस सी और माइनस डी, इसका भी होल स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें कटेगा क्या, कट जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन सा कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा माइनस और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 0 बराबर अंडर रूट थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी और वहां पे है c माइनस डी, यहाँ पे सवाल उतारने में थोड़ा सा भूल हो गया है, बाकी सब ठीक है। तो देखिए ये तो हम लोग ठीक ही निकाले हैं, लेकिन ये है c माइनस डी माइनस फिर c प्लस डी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी और फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे डी और डी नहीं कटेगा, डी जो यहाँ पे हम काट दिए हैं ये डी नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों माइनस में आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में -2d। ठीक है,
माइनस टू डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी बी हो जाएगा कितना, बी और बी जोड़ देंगे तो टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मान आ गया। अब इसको हम फोर बी का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब माइनस फोर बी का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए अब हम इसमें फोर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है। अब ये जो फोर है इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो टू आएगा और अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही क्या है, इसका आंसर है, इसका आंसर यही निकलेगा। अब 15 का टू नंबर देखिए, इसमें क्या क्या रहा है कि पहला दिया है स्थानांक x माइनस सेवन और दूसरा दिया है 3 माइनस थ्री। अब कहते इन दोनों के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान निकालिए। तो इसके पहले वाला जो पार्ट बना हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जब बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बना देते हैं जो सीखने के लिए। देखिए तो ये दोनों के बीच की दूरी 5 बता रहा है, मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब इन दोनों के बीच की दूरी 5 बता रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 5 इकाई, ठीक है। अब ए के जगह पे हो जाएगा ये दोनों के बीच का स्थानांक अगर निकालेंगे तो ये दोनों के बीच का स्थानांक हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस सेवन माइनस माइनस थ्री, ठीक है, का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 5, ठीक है। क्योंकि ए बी का दूरी अगर हम निकालेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर अब प्लस फिर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर फिलहाल रहने दीजिए, और इसका पहले काम कर लीजिए, माइनस सेवन प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 5, और अंडर रूट एक्स माइनस थ्री फिलहाल फिर रहने दीजिए, अब प्लस इसको माइनस फोर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, बराबर 5, और अंडर रूट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब प्लस इसको 16 कर लेंगे बराबर 5। अब रूट हटा दीजिए, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। अब 16 को उधर बाहर भेज दीजिए, तो 16 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 16, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 25 में 16 को अगर माइनस करें तो आ जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 काट सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, ठीक है, और x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 0 एक मान आया तथा दूसरा क्या आएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 6, इसलिए x का मान बराबर 0 भी होगा और प्लस 6 भी होगा, और यही इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए यहां पे 3 नंबर का सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल दोनों बहुत ही वीवीआई सवाल है, परीक्षा में बार बार देते रहता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से देखिए। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक बिंदु x और 4 है, यह स्थानांक किसी बिंदु का है, मान लिया ए है, लेकिन दूसरा बिंदु यहां दिया नहीं है, आपको 0 0 लेना पड़ेगा। क्यों, यहां देखिए लिखा है कि मूल बिंदु से इसका दूरी 5 है, है ना, यहाँ पे कह रहा था कि दोनों के बीच का दूरी 5 है, यहाँ मूल बिंदु से दूरी इसका कितना है, 5 है, तो मान लीजिए कि ये बी बिंदु है, इसका दूरी कितना है, 5 है,
तो हम इसका भी क्या निकालेंगे, स्थानांक जो दिया हुआ है इसका बीच का दूरी निकालेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एबी बराबर कितना इकाई, 5 इकाई। ठीक है, अब देखिए एबी का स्थानांक दूरी अगर निकालेंगे तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, अंडर रूट इक्वल टू 5, या एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, अंडर रूट इक्वल टू 5। देखते जाइए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, और एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 25 में घटा दीजिए 16 तो आ जाएगा 9, और एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। आप जान गए हैं इसको हम तोड़ दिए प्लस बी माइनस बी में, इसलिए x बराबर, पहले x प्लस 3 बराबर अगर 0 करें तो इसलिए x बराबर माइनस 3, तथा दूसरा बार ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 3, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 3 आंसर। अब देखिए ये कहता है ये तीन बिंदु दिया स्थानांक का, इसको मिलाने से कैसा त्रिभुज बनेगा, तो कैसा त्रिभुज बनेगा इसके लिए हमको निकाल के देखना ही पड़ेगा, ए बी सी स्थानांक कितना कितना दिया हुआ है, तो इसका 3 0 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है माइनस 3 0, और इसका दिया है 0 3। अब इसको निकाल के देखते हैं ए बी बी सी और ए सी, तब देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो चित्रानुसार, चित्रानुसार ए बी बराबर निकाल दीजिए 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 0, 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 आएगा, 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 9, इसका मान ए भी 9 आया है। यहां पे देखिए 3 3 6 6 का होल स्क्वायर, अब यहां पे आ जाएगा 6, ठीक है, ये 6 आ गया। अब चलते हैं बीसी निकालने के लिए, तो बीसी में देखिए -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 गुना 3 9 प्लस 9 अंडर रूट। अब ये आ जाएगा, अब इसको एड कर देंगे अंडर रूट 18, अब इसको निकाल लेंगे 3 रूट 2, ठीक है, 3 रूट 2 कितना आ गया है बीसी बराबर। अब चलते हैं एसी, एसी बराबर निकाल के देखते हैं, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल, अब देखिए ये आता क्या है, ये आता है 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा 9 प्लस 9, ये भी आ गया है बराबर 18 अंडर रूट बराबर आ गया माइनस, माइनस नहीं बल्कि 3 रूट 2। तो देखिए यहाँ पे दो भुजा बराबर आ रहा है, कौन कौन, एक बीसी भुजा और एसी, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो कंफर्म हो गए। लेकिन देखिए कभी कभी समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर होता है तो उसके लिए भी एक बार जांच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 6 है, तो अगर सबसे बड़ी भुजा 6 है, सबसे बड़ी भुजा अगर 6 है तो 3 प्लस रूट 2, एक मिनट, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। 9 3 3 9 9 इंटू 2 18 प्लस 18 बराबर 36, अब ये आ गया 36 बराबर 36। तो निश्चित रूप से आप बताइए कि ये समकोण त्रिभुज भी है और इसके साथ साथ क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे,
तो एबीसी में दो भुजा बराबर भी है और इसके साथ साथ ये समकोण त्रिभुज भी है। लिख देंगे अतः त्रिभुज एबीसी एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में है कि वृत्त का केंद्र का स्थानांक दिया है और परिधि पर स्थित किसी बिंदु का स्थानांक दिया, तो अर्धव्यास निकालना है। मान लीजिए यही वृत्त है, इसका एक केंद्र है जिसका की स्थानांक 0 0 दे दिया है। अब परिधि पर एक बिंदु है, मान लीजिए ए बिंदु है, तो ये ओ बिंदु है और ये ठीक है, ये इसका स्थानांक है और ए बिंदु का भी स्थानांक दे दिया है, कितना दिया है 3 और 4। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं तो अर्धव्यास भी निकल जाता है, क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही अर्धव्यास कहते हैं। तो इसलिए लिख देते हैं अर्धव्यास की लंबाई, नाम बताइए क्या है, OA बराबर OA का निकालेंगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, आप प्लस बताइए 0 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 9। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा -3 का होल स्क्वायर करके करते हैं, -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर हो जाएगा 9 और प्लस 60 अंडर रूट बराबर हो जाएगा 25 अंडर रूट बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से 5 इकाई क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया। तो बड़ी आराम से हम लोग निकाल लेंगे अर्धव्यास की लंबाई। अब आगे बढ़िए, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका 16 नंबर का वन सवाल है। मूल बिंदु से -4 और y की दूरी 5 हो तो y का मान निकाले। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें ग्राफ में आप ठीक से समझ पाएंगे, x x डैश y y डैश ठीक है। मूल बिंदु यहाँ पढ़िए, मूल बिंदु से -4 और y की दूरी 5 है, मूल बिंदु से -4 और y की दूरी 5 इकाई हो तो y का मान निकालें। तो मूल बिंदु यानी कहने का मतलब 0 0, ये मूल बिंदु, मान लिया मूल बिंदु A है या चलिए O है, और मूल बिंदु से ये B O है और ये A बिंदु है जिसका कि -4 है और y है, और इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर कितना बताया है 5 है, तब y का मान निकालना ठीक है। तो देखिए पहले ऐसा हम लोग निकाल चुके हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए बराबर कितना है 5 इकाई ठीक है। अब ओ ए अगर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 0 - -4 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 5, या इसको अगर हम --+4 करें और इसको y स्क्वायर ही होगा, ब्रैकेट अगर निकाल देंगे तो अंडर रूट इक्वल टू 5, या 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, या y स्क्वायर इक्वल टू 25 - 16 ठीक है। इसको हम y स्क्वायर बराबर 9 या y बराबर अंडर रूट 9 या y इक्वल टू +-3, अतः y का मान कितना निकल के आ गया +-3, यानी +3 भी होगा और -3 भी होगा। अब देखिए 16 का 2 नंबर सवाल, y अक्ष पर स्थित एक हम यहां पे ग्राफ बनाते हैं y डैश। अब यहां पे कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु का स्थानांक लिखो। मान लिया y अक्ष पर एक बिंदु है ये ठीक है, एक बिंदु का स्थानांक लिखो जिसमें y अक्ष में हम जहां मर्जी ले सकते हैं तो वहीं पे ले लिए हैं, तो जिसमें जिससे कहता है कि 2 और 3 और -1 और 2 दोनों बिंदु समान दूरी पर हो, तो इसका स्थानांक बताइए क्या होगा, इसका होगा 0 और y होगा। अब इस बिंदु से दो बिंदु के बीच की दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी यहां से बराबर होगा, तो अब बोलिए एक पहला है 2 3, तो मान लिया ये बिंदु यहां पे पड़ रहा है 2 3 ठीक है, ये अगर मान लिया a है ये b है
तो ये बिंदु जितना यहां से यहां तक इसका दूरी है उतना ही दूरी बोल रहा है कि माइनस एक और दो। तो माइनस एक और दो अगर इधर हम लोग देखें तो एक और दो मान लिया जाए कि ये बिंदु यहां पे पड़ रहा है, तो एक और दो बिंदु जो यहां पड़ रहा है इसका यहां से मान लिया ये सी बिंदु है, तो इसका भी दूरी क्या है वही है जितना कि यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है। तो ये निकालने के लिए हमको यहां पे देखना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है अथवा नहीं। तो चित्र के अनुसार ये थोड़ा हम दूर दूर बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बिंदु मान लिया ए है, ठीक है, ये जीरो और वाई, और उसके बाद इससे दूर बिंदु बराबर दिखा देते हैं, मान लीजिए ये सी बिंदु है जिसका क्या स्थानांक कितना दिया है माइनस वन और टू दिया है, ठीक है। तो अब जैसे सी बिंदु जो यहां पे दिया हुआ है सी बिंदु, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए। तो चित्रानुसार हम डायरेक्ट कर देते हैं, चित्रानुसार दोनों का दूरी जब बराबर है तो सबसे पहले देखिए ये दोनों के बीच का स्थानांक निकाल लीजिए, तो क्या होगा माइनस वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका डिस्टेंस निकालिए जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा आपस में क्योंकि जैसा कि बता दे रहा है कि उस बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है और वो बिंदु वाई पर स्थित है, ठीक है, वाई अक्ष पर। या इसको अगर हम करें तो माइनस वन का होल स्क्वायर, अच्छा अंडर रूट भी कर देते हैं, ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा बाद में, प्लस यहां पर हो जाएगा टू माइनस वाई को रहने दीजिए, अंडर रूट बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ठीक है, रूट दोनों तरफ है इसलिए दोनों तरफ हटा भी सकते हैं। तो वन प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर फोर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, हट गया दोनों, या वन प्लस रूट भी हटा दिया दोनों तरफ से। अब इसको तोड़ लीजिए, दो दूनी दो का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू थ्री या प्लस थ्री का होल स्क्वायर, सूत्र बैठा दिया दोनों को। अब चलते हैं, या वन प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर प्लस y स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन, तो y स्क्वायर यहां पे काट देते हैं, ठीक है, फोर फोर भी काट ही देते हैं और सिक्स वाई को इधर कर लेते हैं तो आ जाता है सिक्स वाई माइनस फोर वाई आइज कर लो इधर प्लस नाइन है और ये हुआ माइनस वन कर दीजिए इधर, अब हो जाएगा ये टू वाई इज कर लो यहां पे घटा दीजिए एट, या y बराबर 8 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ जो बोला है कि y पर अक्ष जो है अक्ष पर स्थानांक कितना होगा, इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का स्थानांक कितना हो सकता है, तो स्थानांक होगा 0 और y के जगह पे कितना लिख देंगे 4, और यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए 16 का 3 नंबर, x और y अक्ष पर दो बिंदु का स्थानांक लिखे जिसको मिलाने पर अक्ष के साथ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बने। तो देखिए अब कह रहा है कि x और y अक्ष के बीच में x और y अक्ष को मिलाने से दो बिंदु, जैसे मान लिया एक बिंदु यहां लिए हैं और एक बिंदु यहां लिए हैं, दोनों को मिला दिया है, तो ध्यान रखिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर बनेगा तो जितना इकाई हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जितना इकाई यहाँ पे लेना पड़ेगा, मान लीजिए ए है बी है और ये ओ है, तो अगर त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो जितना इकाई हमको यहाँ लेना पड़ेगा उतना ही इकाई यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। जैसे लिए हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पर लिए हैं बी, एक दो तीन चार पांच छह सात यहाँ भी आठ पे लेना पड़ेगा, तो आप बताइए इसका स्थानांक कितना होगा, जीरो आठ
ठीक है। और इसका स्थानांक कितना होगा, तो इसका स्थानांक होगा 8 0। अब ये जो मान लिए हैं और इसका स्थानांक कितना होगा, तो इसका स्थानांक तो 0 0 है, ठीक। तो यहां पे बोल रहा है कि अक्ष जो दिया है एक्स और वाई अक्ष पर दो बिंदु का स्थानांक लिखना है हमको, इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे बोला है दोनों बिंदु को मिलाने से एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार आप इसका अलग अलग मान भी ले सकते हैं, हम जो लिखे हैं ये भी सही है और दूसरा भी लिखिएगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो चित्रानुसार समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनने के लिए या बनाने के लिए दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु का स्थानांक कितना हो जाएगा, बोलिए यह स्थानांक कितना है, 0 1 तथा 8 0 होगा। अगर मान लिया हम 3 पर लेते हैं तो आपको यह भी 3 लेना पड़ेगा, तो दूसरा अगर लेना होगा तो 0 3, ठीक है, तो फिर 3 0 ये भी ले सकते हैं, मर्जी अपना, जितना मर्जी उतना आप ले सकते हैं, अलग अलग मान आप ले सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर बनाया, 3 नंबर, अब 4 नंबर होगा ना, 3 नंबर बना दिया है, अब 4 नंबर। एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में दो बिंदु के स्थानांक लिखिए। अब एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में जैसे ये है आपका ग्राफ का एक्सिस है, इसमें समझ आइए आप, देखिए अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में, तो एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में तो ये आपका एक्स अक्ष है, तो विपरीत दिशा में एक तो इधर लेना है तो एक इधर लेना है, लेकिन कह रहा है कि ऐसा लीजिए कि जिसकी दूरी एक्स अक्ष से समान हो, माने एक्स अक्ष से जितना दूरी यहां का, जैसे एक पॉइंट यहां पे ले लिए हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर लिए हैं तो यहां से जितना दूरी इसका होगा उतना ही हम दूरी यहां पे भी लेंगे। तो अब आप बताइए यहां अगर एक कोई पॉइंट लिए हैं 1 2 3 4 5, 5 पर मान लिया एक पॉइंट, तो इसका स्थानांक 5 होगा, ठीक है, और ये अगर दूरी है 1 2 3 4 5 6, मान लिया 6 है, तो इसका स्थानांक कितना हो गया, 5 - 6, ठीक है। अब इसका स्थानांक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 ही आएगा इसका, लेकिन अगर समान दूरी हम लेना चाहते हैं तो ऊपर वाला हमको कितना लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए हम अगर एक्स अक्ष के विपरीत समान दूरी पर स्थित बिंदु का स्थानांक बराबर, बोलिए क्या क्या होगा, एक होगा 5 6 और दूसरा होगा 5 - 6, ठीक है, क्योंकि हम एक माइनस में लेंगे, ठीक है, यानी वाई माइनस में लेंगे तो एक वाई माइनस में चला जाएगा और एक जो है वाई माइनस में चला जाएगा, दूसरा वाई प्लस, ठीक है, बस यही ध्यान रखना। फिर देखिए 3 नंबर हो गया, अब चौथा नंबर सवाल, ये चौथा नंबर था, अब देखिए 5वां नंबर सवाल जो कि लास्ट सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि y अक्ष के विपरीत दो ऐसे बिंदु लो जो समान हो। तो अब आप इसमें फिर देख लीजिए कि y अक्ष पर अगर लेने के लिए कहा जाएगा x x, तो आप बोलिए कहां लीजिएगा, y अक्ष के अगल बगल, ये देखिए y अक्ष के विपरीत दिशा में, तो एक मान लीजिए यहां पे लेंगे, जितना दूरी यहां से इसका होगा उतना ही दूरी कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। अब मान लिया जाए कि ये बिंदु का हम स्थानांक दिखाते हैं और एक ये बिंदु है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका स्थानांक और इसका स्थानांक अगर हम लोग देखें, ये बिंदु का मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इसका स्थानांक अगर लिखें तो 1 2 3 4 5 6, तो चलिए इसका 6 लिख दिए हैं और एक ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 5। अच्छा, दूसरा का स्थानांक अगर लिखना चाहेंगे तो यहां तो कह रहा है दूरी दोनों का बराबर होगा, इधर कितना लिए हैं, 6 लिए हैं, तो इधर आपको निश्चित रूप से -6 लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -6 और 1 2 3, चलिए इसका 3 भी ले लेंगे तब भी चलेगा, 5 भी ले लीजिएगा तब भी चलेगा। तो आप बताइए कि x
वाई अक्ष के विपरीत दिशा में वाई अक्ष के विपरीत दिशा में समान दूरी पर स्थित दोनों बिंदु का स्थानांक ये देखिए ये आपके मर्जी पर निर्भर है, ये आप कुछ दूसरा भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे मान दूसरा भी रख दिए हैं। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये एक्स वाला राशि एक प्लस में एक माइनस और ये दोनों समान रखना है, ये दोनों जो मर्जी सो रख लीजिए। इसमें देखिए इसमें वाई अगर एक्स का पूछेगा कि एक्स अक्ष के विपरीत, तो देखिएगा वाई को आपको समान रखना है, विपरीत चिन्ह रखना है, और ये आप समान भी रख सकते हैं अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि इसमें हम बताएं। तो निश्चित रूप से हम समझ गए हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और निश्चित रूप से इसको क्या करिएगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।